नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली न्यूज़ अलर्ट में आप सभी का। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन खबर। मुख्यमंत्री संबल योजना से नया सवेरा योजना की जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस योजना को लेकर बड़ी कार्रवाई करने का निर्णय किया है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। और दोस्तों, बता दें आपको, मध्य प्रदेश की बेहतरीन खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतरीन खबरें मिलेगी रोज़ाना। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई बेहतरीन खबर से ना चूकें। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें कि अप्रैल 2018 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2.2 करोड़ लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की थी, जो कि अब नया सवेरा योजना कमलनाथ सरकार के अनुसार। लेकिन 13 महीने में ही यह योजना धांधली के आरोपों में गिर गई है। कांग्रेस सरकार अब इसकी जाँच कराएगी। श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि भाजपा के लोगों ने इसमें धांधली की है। 2.2 करोड़ हितग्राहियों में से 40 से 50 फीसदी फर्जी है, इनके नाम पर भाजपा वाले फायदा उठा रहे हैं। विभाग ने सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखकर सत्यापन के निर्देश दिए हैं। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक अभियान चलाकर हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। सर्वे में जो भी दोषी मिलेगा उस पर कार्रवाई करेगी। तो इस तरह से कमलनाथ सरकार संबल योजना पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हो चुकी है, जो कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। और साथ ही बता दें, सिसोदिया ने बताया कि संबल योजना अब नया सवेरा योजना हो गई है, इसमें नए कार्ड दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास संबल कार्ड हैं तो वो अब रिप्लेस होकर नए कार्ड जारी किए जाएंगे कमलनाथ सरकार की ओर से। तो उसमें आधार नंबर भी होगा, इसके साथ ही उससे आयुष्मान योजना का लाभ हितग्राही को मिलेगा। तो आयुष्मान योजना इसके साथ आपको लाभ मिलेगा, और घर घर पहुँचेगी टीम, हितग्राहियों को जांचेगी। पंचायत व वार्ड के हितग्राहियों की सूची श्रम सेवा पोर्टल से ली जाएगी। घर घर जाकर हितग्राहियों का सत्यापन होगा। पंचायत में सचिव व नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी सत्यापन करेंगे। सत्यापन के बाद अपात्र के नाम हटाए जाएंगे। सर्वे के दौरान पात्र हितग्राहियों के आधार नंबर भी अपडेट किए जाएंगे। तो दोस्तों, इस कड़ी के अंदर कमलनाथ सरकार संबल योजना में इस तरह से कार्रवाई करेगी, जिसमें जांच कर जो सही हितग्राही होगा उसी को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार कार्रवाई करेगी। और साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि मुख्यमंत्री जन कल्याण यानी संबल योजना को अब नया सवेरा नाम दे दिया गया है। चूँकि कुछ पुराने कार्ड पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का फोटो है, इसलिए अब सभी पात्र हितग्राहियों को नए कार्ड फ्री में वितरित होंगे। इसके लिए उन्हें अपने नज़दीक के किसी क्योस्क, सीएससी, जन मित्र या फिर लोक सेवा केंद्र पर जाना होगा। अब तक जो कार्ड प्रचलित है उनसे न तो आधार नंबर लिंक है, न संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर फीड है। इसमें कुछ फर्जी कार्ड भी चलन में आ चुके हैं। वास्तविक पात्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पहचान के लिए अब सारे कार्ड नए सिरे से तैयार होंगे। श्रम विभाग ने इसको लेकर पिछले सप्ताह आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक जिनके पास पुराने कार्ड हैं उन्हें किसी भी कियोस्क, सीएससी, लोक सेवा केंद्र या फिर जनमित्र पर पहुंचना होगा। ऐसे लोगों को अपने साथ आधार पर मोबाइल नंबर भी लेकर आना होगा। पुराना कार्ड दिखाने पर नया लेमिनेटेड कार्ड उसी दिन तत्काल फ्री पात्र हितग्राही को दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने संबल कार्ड को नया सवेरा कार्ड में परिवर्तित करवा सकते हैं, यानी कि रिप्लेस करवा सकते हैं, जो कि नया सवेरा कार्ड अब लागू हो गया है। तो अपने कार्ड को नज़दीकी मित्र या पर जाकर उसे चेंज करवा लें। आगे आपको बता दें कि बड़ी खबर देखिए, इसके अंदर जो जांच की जो व्यवस्था रहेगी वो बता दें। संबल कार्ड में दर्ज नाम, लिंग व उम्र संबंधित जानकारी यदि आधार से मिलान होगी तो पुराना कार्ड जमा कर नया कार्ड तत्काल मिलेगा।
तो यह विशेषकर ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों। यदि जानकारी में भिन्नता है तो सक्षम अधिकारी निर्णय लेंगे कि कार्ड जारी होना है अथवा नहीं। कियोस्क संबंधित अधिकारी को प्रकरण भेजेंगे। यदि नाम की स्पेलिंग एड्रेस में कुछ अंतर है तो कियोस्क संचालन खुद ही निर्णय लेगा। इसके बाद सही जानकारी समग्र पोर्टल पर भी सुधरेगी। रजिस्टर्ड परिवारों को जो लाभ मिलते हैं वो बता दें दोस्तों। संबल योजना में कई तरह के लाभ सरकार देती है। इसमें शिक्षा प्रोत्साहन, सरल बिजली, संस्थागत प्रसव व जांच, सामान्य मौत, दुर्घटना, स्थायी अपंगता, अंत्येष्टि आदि के लिए आर्थिक मदद भी मिलती है। तो इस तरह से आप अब संबल योजना की जगह नया सवेरा योजना के कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए स्पेशल खबर। ऐसे ही आपके लिए डेली खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। हमारे साथ बने रहिए।